हेलो स्टूडेंट्स आज हम प्रैक्टिस करने वाले हैं हेल्पिंग वर्ब्स एंड मेन वर्ब्स की हेल्पिंग वर्ब्स एंड मेन वर्ब्स बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है इंग्लिश लैंग्वेज में क्योंकि ये दोनों वर्ब्स टेंसेज में यूज़ होती हैं और टेंसेज बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है इंग्लिश लैंग्वेज को समझने में तो अगर आप इंग्लिश लैंग्वेज सीखना चाहते हैं इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना देर इज़ अ क्वेश्चन विच हेल्पिंग वर्ब्स ऑल्सो एक्ट हेज द मेन वर्ब्स तो कौन सी हेल्पिंग वर्ब्स हैं जो कि मेन वर्ब्स की तरह भी काम करती हैं कोई ऐसे हेल्पिंग वर्ब्स हैं क्या इस क्वेश्चन का आंसर मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊंगी तो इस वीडियो को आप एंड तक ज़रूर देखना तो चलिए आज की प्रैक्टिस शुरू करते हैं फर्स्ट सेंटेंस है ही इज़ प्लेइंग गिटार इस सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब है इस और मेन वर्ब है प्लेइंग तो चलिए नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ बढ़ते हैं नेक्स्ट सेंटेंस है दे वर वर्किंग ऑन अ प्रोजेक्ट this sentence may helping verb were or main verb is working moving on to the next sentence the children have finished their homework is sentence may helping verb have and main verb is finished now the next sentence is we have been waiting for the guests फॉर वन आवर इस सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब है है मेन वर्ब इज वेटिंग तो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है कि कौन कौन सी हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं कौन सी मेन वर्ब्स होती हैं क्वेश्चन के इस क्वेश्चन का आंसर है विच हेल्पिंग वर्ब्स ऑल्सो एक्ट एज द मेन वर्ब्स ये वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था तो इसका आंसर है डू एंड हैव ये जो दो वर्ड्स हैं इन्हें हम हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब दोनों तरह यूज कर सकते हैं दे डू नॉट अप अर्ली इन द मॉर्निंग इसमें हेल्पिंग वर्ब है डू आई एम डूइंग माई वर्क इसमें हेल्पिंग वर्ब है एम और मेन वर्ब है डूइंग आई हैव रिटन अ लेटर इसमें हेल्पिंग वर्ब है हैव और आई हैव हैड माई डिनर इसमें मे मीन वो मे हैड दैट इज़ द थर्ड फॉर्म ऑफ हैव तो इस तरह से आप डिफरेंस समझ सकते हैं थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो इफ़ यू हैव लाइक माई वीडियो देन प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल